हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ कि हमारे जो प्लग होता है उसके जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं उस पर कट क्यों लगा हुआ होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो प्लग होता है, जो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सॉकेट है, इसमें लगाने के लिए जो हमारे पास प्लग होता है, हमारे पास जो प्लग होता है इसके जो डॉट्स होते हैं, इसके जो टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास, इन टर्मिनल्स पे कट क्यों लगा हुआ होता है। जैसे कि मैं आपको ये प्लग दिखाता हूँ, इस प्लग्स के अंदर आपको दिख रहा हो तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कट लग रहा है, यहाँ पे एक कट लग रहा है, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कट लग रहा है। ये कट होता क्यों है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कट होता क्यों। वैसे अगर हम देखें तो ये जो कट होता है, ये कट हमेशा पीतल के टर्मिनल्स में ही होता है। अगर ये किसी और धातु का बना हो, कई जैसे होते हैं प्लग होते हैं वो स्टील के भी बने हुए होते हैं, तो उनमें ये कट देखने को नहीं मिलता। तो ये प्लग जो हमारा है, ये प्लग है, इस प्लग के अंदर ही ऐसा क्या है कि इस प्लग के अंदर ये कट लगाए जाते हैं। तो ये देखते हैं, ये हमारा प्लग है, ये हमारा पीतल का होने के कारण, पीतल में होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, पीतल की जो हमारे रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, जिससे अगर हम इसे किसी लोड के अंदर लगा के और इसको अगर इस सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो हम देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक चीज के अंदर, अगर हम उसके अंदर किसी चीज को उसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तब वो चीज थोड़ी ना थोड़ी हीट देती है। उसी हीट के कारण मान लीजिए इस प्लग को हमने किसी मोटर के अंदर लगा दिया और मोटर से ज्वाइन कर दिया और फिर मोटर को चला रहे हम इसमें सप्लाई देके, तो ये जो प्लग है हमारा ये गर्म होने लगेगा। अगर हम ये किसी और धातु का लेते हैं तो वो और धातु पिघल सकती है। अगर हम वहीं पे कोई ठोस धातु लेते हैं तो इस ठोस धातु का हमारे प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो बात करते हैं कि ये इस पे होता है, ब्रास पे होता है या पीतल पे होता है, तो पीतल पे भी क्यों होता है। अब बात आती है कि हमारे पीतल पे क्यों होता है। मैंने बताया कि ये गर्म हो जाता है। अगर मान लीजिए ये इसका ये पॉइंट है, यहाँ पे हल्का से इसमें एक कट लग रहा है। मैं बात करूं कि अगर मैंने इसमें सप्लाई दी, ये हमारे दो पॉइंट हो गए, इसके अंदर मैंने सप्लाई दी तो ये हमारा गर्म होगा। और हमने पढ़ा है कि कभी भी कोई धातु को गर्म किया जाता है तो वो धातु हमेशा फैलती है। अब क्या होगा, इसमें मैंने जैसे ही धारा प्रवाहित करी इसके अंदर, तो ये धीरे 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 फैलने लगेगा। मान लीजिए मैंने सॉकेट को इस प्लग के अंदर, इस प्लग को इस सॉकेट के अंदर लगा दिया और फिर मैंने धारा प्रवाहित करी तो ये प्लग गर्माने लगेगा। जैसे जैसे ये प्लग गर्माएगा ये धीरे 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 फैलने लगेगा। अब ये फैल के और उस सॉकेट के अंदर इस तरह टाइट हो जाएगा कि ये हमारा बाहर वापस नहीं निकल पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक कट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे फैलता है और जैसे जैसे गर्म होता है तो ये फैलने की बजाय सिकुड़ने लग जाता है और ये हमारा सिकुड़ने लग जाता है। जैसे ये धीरे धीरे धीरे, अगर हम किसी चीज को, मोटी चीज है, उसके बीच में कट लगा दे और उसको दबाएं, प्रेशर डालें, तो वो चीज धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगी। वैसे ही क्या होता है, ये प्लग धीरे धीरे हमारा सिकुड़ने लग जाता है, जिससे ये इस सॉकेट के अंदर फंसता नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि ये, चलो ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट कि ये गर्म हो जाता है, जिसके लिए हम इसमें यहाँ पे कट मार देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर कट इसलिए भी लगाया जाता है कि पीतल हमारी हमेशा सप्लाई देने पे थोड़ी बहुत गर्म होती है और गर्म होएगी तो ये हमारा सॉकेट को भी जला सकती है, सॉकेट को भी नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे प्लग को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कट लगा देते हैं, जिस कट से इसके अंदर पैदा हुई हुई हीट वो हमारी धीरे धीरे बाहर निकलती रहे, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा बहुत ठंडा होता रहेगा और धीरे धीरे ये ना तो हमारे सॉकेट को खराब करेगा ना ही हमारे ये प्लग को खराब करेगा। तो ये पॉइंट होते हैं कि हमारे इसके सॉकेट प्लग के अंदर कट क्यों लगा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही समाप्त होती है, मिलेंगे हम आपको नई वीडियो में लेके। थैंक यू फ्रेंड्स।